समान कार्य का समान वेतन हमें मिलना चाहिए और जो ठेकेदारी पड़ता है वो हमारे बीच से हटाई जाए। मगर सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है और कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के संविदा कर्मचारी हैं, लंबे समय से राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बने हुए हैं और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें इन लोगों की कई मांगे हैं। बता दें कि ये लोग चाहते हैं कि समान कार्य समान वेतन हो, क्योंकि जब ड्यूटी के दौरान इन लोगों के साथ कई हादसे भी हो जाते हैं, उसके बाद भी लगातार ये लोग ड्यूटी पर बने रहते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको किसी भी तरीके की प्रोत्साहन राशि हो गई या कोई भी मुआवजा नहीं मिल पाता है। क्या कुछ मांगे हैं जो सरकार नहीं मान रही है? मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद। मैम, हमारी मांगे सिर्फ सरकार से यही है कि ये जो समान कार्य का समान वेतन हमें मिलना चाहिए और जो ठेकेदारी पड़ता है वो हमारे बीच से हटाई जाए। यानी कि जो भी ठेकेदार जो भी कंपनियां आती है वो सिर्फ हम लोगों का शोषण करने का काम करती हैं, हम लोगों का खून पीने का काम करती है। पिछले सन 2000 से ये लोग हमारा खून पीती चली आ रही हैं और हम लोग सही मानों में चुसते चले जा रहे हैं। यानी कि जो गरीब है और गरीब होता चला जा रहा है, जो उच्चपति है वो और उच्चपति होता चला जा रहा है, और इसमें पिस कौन रहा? एक संविदा कर्मचारी जो मेहनत करता है, अपने कंधे पे खंभे को खड़ा करता है और ऊर्जा पहुँचाने का यानी प्रदेश को रोशन करने का काम करता है, सही मानों में उसको जो है इस तरीके से पीड़ित किया जाता है। अपने ना बच्चों को वो पढ़ा सकता है, ना वो अपने बच्चों को खिला सकता है, ना शिक्षा विक्षा उसको कुछ नहीं दे सकता है, और ऊर्जा पहचाने का काम सिर्फ संविदा कर्मी करता है। और जैसे कि हम आपको बता दें कि पिछले जो वो था, मतलब जो पूरा प्रदेश भर में लोग अपने लोगों घर अपने घरों में बैठे हुए थे और हमारे सिर्फ संविदा कर्मचारी काम कर रहे थे, और उसमें क्या है कि तमाम हमारे व्यक्ति बीमार हो गए, मर गए, मगर उनको कोई पूछताने हाल नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। इस तरह की जैसे ये खंभे पे काम करते हुए आदमी गिर जाता है तो उनका इलाज भी बेचारियाँ अपना उनकी औरतें जो हैं अपना घर अपना जेवर बेच के उनका इलाज कराने का काम करती है, ना उनको कोई कंपनी पूछती है, ना ही पावर कॉर्पोरेशन उनको पूछता है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो समस्याएं जो संविदा कर्मियों के साथ में इतनी वो हो रही है, ये समस्याएं खत्म करी जाएं और उनको जो समान कार्य का समान वेतन है वो देना चाहिए, या फिर जो एड सर्विस मैन को दिया जा रहा है वही चीज़ हमें देना चाहिए। क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा ये बिल्कुल बात सही है। अभी ये जो कर्मचारी यहाँ पे धरना दे रहे हैं, इसमें सरकार से एक प्रमुख मांग है कि जो वो 2016 में झूलेलाल पार्क में एक अधिकार दिलाओ रैली का आयोजन किया गया था, उसमें जो वादे किए थे, कम से कम आज 4.5 साल हो गए हैं सरकार को यहाँ पे काम करते हुए, लेकिन कम से कम उसमें से नहीं 2-4-6 तो कम से कम एक ही वादा पूरा कर दें, ताकि इन लोगों को कुछ विश्वास जागे तो आगामी चुनाव में फिर इस सरकार को पुनः बनाने का प्रयास किया जाए। लेकिन जब ये बताइए, जब पूर्व में किए गए वादे ही नहीं कोई लागू मतलब करेगा, वादा खिलाफी करके जो है शोषण किया जा रहा है इन कर्मचारियों के साथ, तो ये बताइए इस हाल में जो है आगे जो चुनाव आ रहा है इसमें तो बड़ी ही समस्या देखने को मिल रही है। और ये बिल्कुल स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा कि यदि आगामी चुनाव के पहले जो वादे किए हैं सरकार ने, अधिकार दिलाओ रैली का जो स्लोगन था कि जो अधिकार दिलाएगा वही प्रदेश चलाएगा, तो 4.5 साल तो प्रदेश चला लिए, ठीक है, लेकिन अब चुनाव आ गया है, 6 महीने बाद चुनाव होना है। अगर इसमें से इन कर्मचारियों की अगर कोई भी मांग नहीं मानी गई तो मान के चलिए कि जो है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को अपना बुरिया बिस्तरा उठाना पड़ेगा प्रदेश से। क्या कहेंगे सर, क्या क्या समस्याएँ काम के दौरान आती हैं? बहुत बड़ी समस्याएँ हैं इन कर्मचारियों की। पहली बात तो विभाग में जो सुरक्षा किट मिलती है, कोई सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। सीढ़ी टूटी पड़ी हुई है, जहाँ जहाँ दी भी गई हैं सीढ़ी टूटी पड़ी हैं, ना कोई सीढ़ी दी जाती है, ना ग्लव्स दिए जाते हैं, ना ही इन कर्मचारियों को प्लास भी अपने पैसों से ख़रीदना पड़ता है। ये बताइए, 7,000 की नौकरी करने वाला प्लास दास्ताने अपने पास से ख़रीदेगा तो अपना घर का खर्चा कैसे चलाएगा? सबसे बड़ी समस्याएँ हैं ये, 4-5 समस्याएँ। और इनसे बड़ी एक समस्या और, इन लोगों के EPF और ESI का घोटाला बहुत लंबा चल रहा है, करोड़ों रुपए का, कई करोड़ का घोटाला है ये। इन लोगों का EPF कटता है, कटने के बावजूद भी जमा नहीं हो पा रहा, अगर जमा भी है तो ये लोग निकाल नहीं पा रहे। मेरे पास लगभग आज
100 फार्म रखे हुए भी आए हुए हैं लोगों के कि भैया पैसा निकल नहीं पा रहा है, इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए अभी हमने 23 तारीख को यहाँ चीफ साहब के यहाँ पर ट्रास गोमती मधुकर वर्मा साहब हैं उनके यहाँ हमने आंदोलन भी किया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि सबकी फोटोकॉपी लाओ, हम इन सबके ESI और EPF के जितने भी कमियां हैं उनको दूर करने काम करेंगे, मगर सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है और कुछ नहीं। क्या कहेंगे सर, क्या क्या समस्याएं? मैडम नमस्ते, ऐसा है, मेरा नाम मोहम्मद अहमद फारूकी, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन संविदा कर्मी, मैं सिद्धार्थ नगर जनपद डुमरियागंज का से आया हूँ और उसी सब स्टेशन पर मैं तैनात था 1992 से तक। 2016 में मैं अचानक पोल पे शटडाउन ले करके गया और पोल से हाथ फिसल करके गिरे, पैर मेरा टूट गया। उसी दौरान में एक्सीडेंट से ठीक होने के बाद कुछ गए ना, कोई क्लेम मिला ना कुछ मिला, ठेकेदार जो भी कहे आज तक भविष्य निधि का पैसा भी नहीं मिला और मेरा नाम काट दिया गया है। मतलब इनको मैं अब तक विभाग में 1992 से, मुझसे पुराना आप सोच लीजिए, जब कोई वजूद नहीं था जाता है तो उसको हटाने का काम करती है पावर कॉर्पोरेशन, उनको हटा देता है। 1992 से व्यक्ति काम कर रहे हैं, इन्हीं ने अपनी जवानी बिजली बोर्ड को पावर कॉर्पोरेशन के नाम कर दिया और जब ये चोट खा जाते हैं तो इनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंकने का काम करती है ये सरकार। तो ये देखिए किस तरीके से ये अपने परिवार को छोड़ के किस तरीके से ये भूखे प्यासे यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे आए हैं अपनी समस्याओं को लेके कि मैंने अपना जीवन बिजली बोर्ड के नाम कर दिया और वो बिजली बोर्ड ने जब हम चुटा जाते हैं तो हमें दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंकने का काम करती है। कब तक यहाँ रुकने का विचार है और क्या लगता है कब तक आपकी मांगे पूरी हो गई, नहीं पूरी हुई तो अगला कदम क्या होगा? देखिए जैसे कि मुझे पावर कॉर्पोरेशन ने ये हमसे वादा किया कि निमाय निरीक्षण करा के मैं आप लोगों की समस्याओं को पूरा करूंगा और वो समस्याएं पूरा करने का अभी तक की कोई नाम नहीं हो रहा है, वो निरीक्षण ही हो रहा है, पता नहीं कौन सा निरीक्षण हो रहा है जो निरीक्षण हो रहा है, तो हाँ झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं और लिहाजा मैं उनको जताने का काम करूँगा कि मैंने यहाँ पर दला कि मैं यहाँ से नहीं हटूँगा जब तक कि मेरी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी और आने वाला 15 तारीख उसमें मैं पूरे प्रदेश भर को लेके क्या नाम है शक्ति भवन के ऊपर आंदोलन करूँगा और वही काम करूँगा जो 2012 में मैंने शक्ति भवन टावर पर चढ़ के आत्महत्या करने की कोशिश मैंने करी और आज मैं वही 15 तारीख को करूँगा। प्रशासन मुझे बचा पाए तो बचा लें वरना अन्यथा की स्थिति में स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है। तो जैसा कि आपने देखा UBPCL के जो संविदा कर्मचारी हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं। लोगों की मांगे हैं कि समान कार्य समान वेतन होना चाहिए, तमाम तरीके की समस्याओं का सामना ड्यूटी के दौरान इन लोगों को करना पड़ता है लेकिन उसका किसी प्रकार से कोई क्लेम मुआवजा या फिर कोई भी तरीके से मदद सरकार द्वारा इन लोगों की नहीं की जाती है। इसके साथ ही जो यहाँ पर इनके अध्यक्ष मौजूद हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि आने वाली 15 तारीख को शक्ति भवन के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश के जो संविदा कर्मचारी हैं UBPCL के वो शक्ति भवन टावर पर चढ़ेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और एक महा आंदोलन का आगाज करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।